क्वेश्चन है सेलुलर सेन्सेप्ट देखिए इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिए अगर आपको ये समझ में आ गया तो आगे की यूनिट समझना काफी आसान हो जाएगा तो सबसे पहले हम समझता है कि सेलुलर कॉन्सेप्ट को क्यों लाया गया ये सोल्व करता है कंजेशन की प्रॉब्लम को और यूजर कैपेसिटी की प्रॉब्लम को अब यहाँ पे कंजेशन की जगह आप इंटरफेरेंस का भी यूज कर सकते हो इसको आप मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा देखिए जब आप कभी कभी अपने फ्रेंड के पास कॉल करते हो तो वो कॉल आपके फ्रेंड के पास ना जाके किसी अदर बंदे के पास चली जाती है और अदर बंदा भी उठा लेता है तो वहां पे क्या होता है जो फ्रीक्वेंसी होती है वो आपस में मिक्स हो जाती है या चैनल की कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है तो उसको करने के लिए हम इस का यूज करते हैं सेकेंड है, है यहाँ पे यूजर कैपेसिटी प्रॉब्लम यानी कि जो यूजर होता है उसकी जो कैपेसिटी होती है उसको इंक्रीज करने के लिए हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं अब हम स्टेप बाय स्टेप इसको समझ लेते हैं नंबर वन है प्लेज ए सिंगल हाई पावर ट्रांसमीटर विद मेनी लोवर्ड पावर ट्रांसमीटर देखिए इस पॉइंट की हेल्प से हमने यूजर की कैपेसिटी को इंक्रीज करने की कोशिश की है और जो कंजेशन की प्रॉब्लम है उसको भी दूर करने की कोशिश की है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं लोअर पावर ट्रांसमीटर लोअर पावर ट्रांसमीटर क्या होता है उसका जो एरिया होएगा वो कम होता है यानी कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है जो वो ट्रांसफर करता है वो कम एरिया तक करता है अब हम यहां पे अच्छे से समझ लेते हैं देखिए यहाँ पे क्या है ये एक हाई पावर ट्रांसमीटर है ये क्या करेगा जो फ्रीक्वेंसी को जो सेंड करेगा वो एक लार्ज एरिया को कवर करेगा ठीक है क्योंकि यहाँ पे ये एक है और ये हाई पावर को ट्रांसफर करता है यानी कि इसके अंदर से जो फ्रीक्वेंसी निकलेगी वो ज्यादा दूर तक रहेगी उसकी जो कवरेज एरिया होगा वो ज्यादा दूर तक रहेगा लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है सपोज कीजिए हमारे पास यहाँ पे टेन यूजर है टेन यूजर इस नेटवर्क को या इस टावर का यूज कर रहे हैं यहाँ यहाँ पे क्या होता है जो हमारी टेलीकॉम कंपनीज होती है वहां पे इनको बैंडविंत खरीदनी होती है बैंडविंत क्या है एक तरीके से रास्ता होता है जिसपे हमारी इंफॉर्मेशन ट्रेवल कर सकती है ठीक है उसकी कुछ फ्रिक्वेंसी भी होती है तो आई होप आप पे समझ पा रहे हो आपको यहाँ पे डिटेल में नहीं जाना है कि स्पेक्ट्रम क्या है बस आपको यहाँ पे इतना समझना है स्पेक्ट्रम होता है जो कि गवर्नमेंट से टेलीकॉम कंपनी को खरीदना होता है और स्पेक्ट्रम की अपनी कुछ बैंडविंथ होती है उसकी अपनी कुछ फ्रिक्वेंसी होती है या हम इसको चैनल भी बोल सकते हैं जिसमें हमारी इंफॉर्मेशन ट्रेवल करती है इसी की हेल्प से वन प्लेस टू अनादर प्लेस हमारी इंफॉर्मेशन सेंड होती है तो टेलीकॉम कंपनी को यहाँ पे स्पेक्ट्रम खरीदना होता है अब सपोज कीजिए ये जो हमने एक limit खरीदी स्पेक्ट्रम की वो सिर्फ टेन यूजर के लिए है यानी कि उसकी जो कैपेसिटी है स्पेक्ट्रम की वो टेन यूजर के लिए है मैंने यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल लिया वरना ये हजारों में होते हैं और फिर सपोज कीजिए हमने यहाँ पे दस से यहाँ पे पचास कर दिए तो टेलीकॉम कंपनी को फिर से स्पेक्ट्रम खरीदना पड़ेगा स्पेक्ट्रम बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लाइसेंस मिलता है तब हम यूज कर सकते हैं तो ये बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाता है तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम को क्रिएट कर देता है इस प्रॉब्लम को करने के लिए हम का यूज करते हैं वो कैसे करता है ये ट्रांसमीटर है? है इसको हम रिप्लेस कर देते हैं लोअर पावर ट्रांसमीटर से यानी कि हम मल्टीपल नंबर ऑफ लोअर पावर ट्रांसमिशन का यहां पे यूज करते हैं इससे क्या होगा जो हमारी कवरेज एरिया होगी वो ज्यादा हो जाएगा कवरेज एरिया कैसे ज्यादा होगा आप मैंने तो बोला था कि कवरेज एरिया ये इसकी ज्यादा होती है लेकिन ये यहाँ पे सिर्फ एक था हम यहाँ पे इसको वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन है तो इसकी कवरेज एरिया जब हम टोटल निकालेंगे तो ये इससे ज्यादा हो जाएगी तो हमारा फर्स्ट फायदा ये हो जाएगा जब हमारा कवरेज एरिया ज्यादा होगा तो हम ज्यादा नंबर ऑफ यूजर को सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं और एक अच्छे कवरेज एरिया को कवर कर सकते हैं सेकेंड पॉइंट है हाई कैपेसिटी हाई कैपेसिटी का यहाँ पे मतलब है यूजर से यानी कि यूजर की जो कैपेसिटी है वो ज्यादा हो जाएगी अब वो कैसे ज्यादा होगी फर्स्ट पॉइंट मैंने बता दिया ये कवरेज एरिया को ज्यादा कवर करेगा सेकंड जो मेन पॉइंट है वो है फ्रीक्वेंसी का देखिए हमने कोई भी स्पेक्ट्रम खरीदा ठीक है इसकी फ्रिक्वेंसी ए है यहाँ पे बी है यहाँ पे सी है यहाँ पे डी है यहाँ पे ई e है यहाँ पे एफ है ठीक है इसको बोलते हैं हम वन क्लिस्टर तो हम जैसे सेकंड क्लिस्टर का भी यूज करते हैं तो हम वहां पे रीयूज कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी का ये यहाँ पे ए फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे बी है तो आप यहाँ पे नीचे समझिए इसको बोलते हैं हम सेल सबसे पहले आपको ये समझना है ये क्या है ये एक सेल है ये दूसरी सेल है ये तीसरी ये फोर्थ ये फाइव ये सिक्स ये सेवन सेल है तो ये नंबर ऑफ सेल या मैं बोल सकता हूं ग्रुप ऑफ सेल को हम क्या बोलते हैं क्लस्टर जैसे मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है क्लिस्टर वन और क्लिस्टर टू देखिए ए बी सी डी ई एफ जी ये क्या है इनकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी है हमने इस सेल में अलग फ्रिक्वेंसी दिया इस सेल में अलग दिया इसमें अलग दिया इसमें अलग इसमें अलग इसमें अलग इसमें अलग वो किस लिए दिया है जिससे कि इनका इंटरफेरेंस ना हो मैंने यहां पे लिखा हुआ है इंटरफेरेंस इज मिनिमाइज यहाँ पे इंटरफेरेंस क्या हो जाता है मिनिमाइज हो जाता है लार्ज कवरेज एरिया हो जाता है और लास्ट है फ्रिक्वेंसी रीयूज़ देखिए आपको ये फर्स्ट पॉइंट अच्छे से समझा दिया मैंने सेकेंड पॉइंट हाई कैपेसिटी हाई कैपेसिटी भी मैंने समझा दी यूजर की कैसे होगी क्योंकि हम फ्रिक्वेंसी का रीयूज़ करते हैं वो भी मैं आपको अभी बताऊँगा फिर से अच्छे से लार्ज कवरेज एरिया जो हमारा कवरेज एरिया है वो ज़्यादा हो जाता है इंटरफेरेंस इज मिनिमाइज इंटरफेरेंस मिनिमाइज हो जाता है अब मैं आपको समझा देता हूँ फ्रीक्वेंसी रीयूज क्या होता है और इसके क्या क्या फायदा होता है ए बी सी डी ये सब क्या है यहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी है ठीक है हमने यहाँ पे फ्रिक्व... अलग अलग फ्रीक्वेंसी को असाइन किया है अलग अलग सेल के अंदर तो जब हम इसको रिपीट करना चाहते हैं या मैं बोल सकता हूँ फ्रीक्वेंसी का रियूज करना चाहते हैं तो हम एक प्रॉपर डिस्टेंस को मेंटेन रखते हुए कर सकते हैं यानी कि ए डिस्टेंस यहाँ पे ए से होगी इसको हम क्या बोलते हैं को चैनल बोलते हैं यानी कि इसकी है और इसकी क्या है, एक प्रॉपर डिस्टेंस है हम यहाँ पे ए का यूज कर सकते हैं यहाँ पे भी सेम फ्रीक्वेंसी हो गई यहाँ पे भी सेम फ्रीक्वेंसी हो गई बी क्या है बी यहाँ पे इन दोनों की आप डिस्टेंस देखोगे तो इन दोनों की डिस्टेंस भी मेंटेन है सी को देखोगे इनकी भी डिस्टेंस मेंटेन है डी को डी से देखोगे इनकी भी मेंटेन है ई e को ई से देखोगे इनकी भी मेंटेन है एफ को एफ से देखोगे इनकी भी डिस्टेंस मेंटेन है देखिए अब आपके क्लियर हो जाएगा हो सकता है अभी तक आपको कंफ्यूजन हो कि मतलब क्या है ये फ्रीक्वेंसी रियूज अब आपको यहाँ पे क्लियर होने वाला है मैं आपको एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा देखिए फ्रीक्वेंसी रियूज क्या है बिल्कुल आपको सिंपली समझना है जो हमारा क्लिस्टर है ये क्या है क्लिस्टर वन है हम क्लिस्टर टू में सेम फ्रीक्वेंसी का यूज करते हैं जो हमने यहाँ पे यूज किया है तो इसको बोलते हैं हम रीयूज यानी कि हम फ्रीक्वेंसी का दोबारा से यूज कर रहे हैं अब आप यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझिए इसका क्या फायदा है कि हमें स्पेक्ट्रम को खरीदना नहीं पड़ेगा फर्स्ट फायदा तो यही है तो हमारी मनी बच जाएगी यानी कि जो टेलीकॉम कंपनी है उनकी मनी बच जाएगी सपोज कीजिए हमारे पास यहाँ पे स्पेक्ट्रम की रेंज है जीरो टू वन ठीक है जीरो टू वन मैं आपको सिर्फ यहाँ पे एक नंबर की हेल्प से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वन ना उसकी जो रेंज होती है वो कुछ और होती है ठीक है मैं आपको सिर्फ यहाँ पे नंबर की हेल्प से समझाने की कोशिश कर रहा हूं हाँ। देखिए स्पेक्ट्रम के अंदर क्या होता है आप यहां पे अच्छे से समझिए आपको अच्छे से समझ में आएगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ये क्या है टेन है ये पूरा का पूरा क्या हो गया यहां पर हो गया बैंडविंद ठीक है किसका स्पेक्ट्रम का यानी कि इसकी अपनी कुछ रेंज होती है ये क्या है फ्रीक्वेंसी ठीक है इस फ्रीक्वेंसी का अलग नंबर रहेगा इसका अलग इसका अलग इसका अलग इसका अलग या मैं बोल सकता हूँ इसकी वैल्यू अलग रहेगी फ्रीक्वेंसी की तो हम यहाँ पे क्या करते हैं ये क्या है फ्रीक्वेंसी है इस फ्रीक्वेंसी को हम असाइन करते हैं इन सेल के अंदर यानी कि जो हमारे टावर लग रहे हैं हम इनको असाइन कर देते हैं कि ये जो ये वाला टावर है ये इस फ्रीक्वेंसी पे वर्क करेगा ये वाला जो टावर है ये इस फ्रीक्वेंसी पे वर्क करेगा तो यहाँ पे ये क्या है फ्रीक्वेंसी है और यहीं पे इसके सेंटर में क्या होता है एक टावर होता है जिसको हम बीटीएस भी बोलते हैं जो आपका मोबाइल टावर होता है आपने देखा भी होगा वही बीटीएस होता है तो वो क्या करता है फ्रीक्वेंसी को रिलीज करता रहता है उसी फ्रिक्वेंसी पे हमारा ये टावर वर्क करता है तो यहाँ पे क्या होता है सपोज कीजिए ए है ए को हमने ये दी ये वाली असाइन कर दी इसका नंबर सपोज कीजिए कि हमने किया हुआ है जीरो टू वन बैंडविंत में क्या है जीरो टू टेन लेकिन हमने इसको असाइन किया है जीरो टू वन तो जीरो टू वन हमने ए को असाइन कर दिया बी को क्या असाइन किया इस फ्रीक्वेंसी को हम समझ लेते हैं बी फ्रीक्वेंसी को वन टू जीरो सी को टू टू थ्री डी को थ्री टू फोर ई को फोर टू फाइव एफ को फाइव टू सिक्स सिक्स को सिक्स टू सेवन ठीक है ये सेवन गया, आगे भी है हमारी एट नाइन टेन लेकिन अभी हम उसको छोड़ देते हैं एट नाइन टेन हमने सिर्फ इतने का यूज किया अब हम इसका रियूज कैसे कर सकते हैं रियूज हम कर सकते हैं जैसे अब हमारा ये दूसरा लिस्ट है इसकी एक प्रॉपर डिस्टेंस को मेंटेन रखते हुए हम इसका यूज कर सकते हैं हमने ये फ्रिक, इसी फ्रीक्वेंसी का हमने यूज किया जीरो टू वन ठीक है इसका यहाँ पे वन टू 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 थ्री थ्री टू फोर फोर टू फाइव फाइव टू सिक्स और सिक्स टू सेवन तो इनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई सेम हो गई लेकिन इनकी प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन रहना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर इनकी डिस्टेंस मेंटेन रहेगी तो यहां पे इंटरफेरेंस नहीं होगा यानी कि मैसेज का कोलिजन नहीं होगा या मैं बोल सकता हूं मिक्सिंग नहीं होगी यहां पे तो जब हम यहाँ पे रियूज कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी का तो हमें किसी अदर बैंडविंत की रिक्वायरमेंट नहीं है यानी कि अदर स्पेक्ट्रम की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि ये यहां पे क्या है बैंडविंत होती है स्पेक्ट्रम के अंदर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन हम इसका ही बार बार क्या कर रहे हैं यूज कर रहे हैं लेकिन जब हम इसका ही यूज करते हैं सिर्फ एक बड़े सिस्टम का यहाँ पे या मैं बोल सकता हूँ एक हाई पावर ट्रांसमीटर का सिर्फ यूज करते तो क्या होता हमें बैंडविथ की रिक्वायरमेंट पड़ती है हमें खरीदनी पड़ती जो कि टेलीकॉम कंपनी अफोर्ड नहीं कर सकती है देखिए मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से समझाने की कोशिश की है आपको पूरे YouTube पे ये नहीं बताएगा कि स्पेक्ट्रम क्या है स्पेक्ट्रम के अंदर बैंड क्या है ये फ्रीक्वेंसी कैसे करता है अब मैंने आपको बिल्कुल एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करके तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो आप वीडियो को पीछे कीजिए और अच्छे से समझिए कि सेलुलर कॉन्सेप्ट क्या होता है आपके माइंड में एक क्वेश्चन हो रहा होगा कि जो हमारी सेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो हैक्जागोनल क्यों होता है ये हमारा ऐसे सर्कल क्यों नहीं होता है ये हेक्जागोनल

टू थ्री फोर देखिये अच्छे से नहीं बनाया कुछ आप सही कर लेना तो यहाँ पे क्या होता है कि जो इसके यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि बीच में यहाँ पे स्पेस बच चुका है तो यहाँ पे तो जो यहाँ पे यूजर होगा उसको सर्विस नहीं मिल पाएगी तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम यहाँ पे हेक्सागोनल का यूज करते हैं हेक्सागोनल ठीक है, है। तो जब हम हेक्सागोनल का यहाँ पे यूज करते हैं इस स्ट्रक्चर का यहाँ पे क्या है हमारा बीटीएस है बीटीएस क्या होता है मैंने आपको पहले भी बताया याद कीजिए ये होता है मोबाइल टावर आपने देखे भी होंगे ठीक है ये सिटीज में लगे हुए होता है या गांव के पास भी हो सकते हैं तो ये होता है बीटीएस इसका शेप ऐसा क्यों रखा गया है जिससे कि बीच में कोई भी डिस्टेंस ना बचे लेकिन मैं आपको बिल्कुल एक बात क्लियरली बताना चाहूंगा जो प्रैक्टिकल में अगर हम देखें तो प्रैक्टिकल में ये बिल्कुल इसी शेप का नहीं रहता है ये थोड़ा ओवरलैपिंग में आ जाता है क्योंकि ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता है कि सेल की जो शेप होती है वो हेक्सागोनल होती है देखिए आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा